सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन अभी भी फेसबुक पर लगातार हमारी पोस्ट को रीच नहीं मिल रही है, मेरी सूचना आप सब लोगों के पास नहीं पहुंच पा रही है। सिर्फ एक ही साधन है कि मैं फेसबुक पर लाइव होकर के अपना संदेश, अपनी सूचनाएं आप तक पहुंचा सकता हूं। इसलिए मैं जब वियतनाम में था तब आपके बीच में लाइव होकर के आपको वियतनाम दिखाता था। मैं जब से वापस लौटा हूं मैं आपके बीच लाइव नहीं आ पाया। कारण, मैं महीने में 15 दिन यात्रा पर रहता हूं। दिल्ली पहुंचा, दिल्ली हाई कोर्ट के जज, उनके बेटे की शादी थी। चूंकि वह हमसे प्रेरित होकर, हमारे काम को देख करके प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि मैं बौद्ध पद्धति से शादी कराऊंगा, और उस शादी में चीफ जस्टिस केजी बालाकृष्णन साहब, रमन्ना साहब, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सरीखे, बड़े बड़े लोग, पूरे भारत के बड़े बड़े लोग उस शादी में आए। वो अपने आप में बहुत बड़ा एक मैसेज था जो मेरे द्वारा, मेरी टीम के द्वारा उस शादी को संपन्न कराया गया। इसके बाद मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़, बिजनौर, नगीना, धामपुर, नेटौर, गजरौला, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, अफजलगढ़, नजीबाबाद, इस क्षेत्र में आ गया हूं और आगामी 17 दिसंबर को बाबा साहब डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष में श्रद्धांजलि का बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। और उस कार्यक्रम में हमारे द्वारा देश के, विदेश के जितने भी गणमान्य लोग हैं, जो मुखर होकर के जातियों से उठकर आपसी छोटे छोटे उद्देश्यों की पूर्ति के बजाय बड़े उद्देश्यों में जो लगे हैं, जो विचारधारा की बात खुल करके करते हैं, उन सभी लोगों को हमने इस कार्यक्रम में बुलाया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक जगह धामपुर है, जो उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, चाहे वो मेरठ हो, चाहे वो सहारनपुर हो, चाहे वो मुरादाबाद हो और चाहे वो उत्तराखंड हो, उसका एक मेन पॉइंट है धामपुर, जहां आरएसएस का बहुत बड़ा केंद्र है। कहा जाता है कि नागपुर के बाद उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा केंद्र आरएसएस का धामपुर में है, वहीं पर उनका यूरेशिया होटल है। मैंने उसी जगह के ठीक सामने केएम इंटर कॉलेज में 17 दिसंबर का कार्यक्रम रख दिया है। और उस कार्यक्रम में हमने बाबा साहब का परिवार के साथ साथ राजकुमार सैनी, राजेंद्र पाल गौतम, सारे प्रोफेसर, चाहे वो लक्ष्मण यादव हो, चाहे नवीन कुमार हो, शंभू कुमार हो, नीरज पटेल हो, चाहे रविकांत जी हो, इस कार्यक्रम में नंद कुमार बघेल जी को भी हमने बुलाया है, जो मुख्यमंत्री के पिताजी हैं। इस कार्यक्रम में हमने चीफ जस्टिस के जी बालाकृष्णन साहब को भी बुलाया है। इस कार्यक्रम में हमने सत्यपाल मलिक जी को भी बुलाया है। इस कार्यक्रम में हमने नरेश, राजेश, राकेश टिकैत, जो किसानों के नेता हैं, किसान आंदोलन में मेरे साथ रहे, उनको भी हमने बुलाया। सभी लोगों को बुलाया। एक बहुत बड़ा आयोजन मैं करने जा रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों से, खास तौर से आसपास के जनपदों के लोगों से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों से, हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर के लोगों से और आसपास सारे लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग कार्यक्रम में आए। लगभग इस कार्यक्रम में 1 लाख से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत बड़े लेवल की तैयारियां चल रही हैं। हमारा संविधान रथ, हमारी पूरी टीम और हमारे सहयोगी संगठन, मैं कभी अकेले कार्यक्रम नहीं करता, सब लोगों को साथ लेकर के करता हूं।
पहले कोई भी सामाजिक धार्मिक धार्मिक कार्यक्रम होता था उसमें भगवान बुद्ध और बाबा साहब की फोटो के अलावा कोई फोटो नहीं लगाता था। आज के 7 साल पहले सबसे पहले बहुजन मैत्री सम्मेलन समण संस्कृति के कार्यक्रम हमने कराए और पोस्टर में 50 से ज्यादा महापुरुष हमने स्थापित कराए, लगभग 1 लाख से ज्यादा कैलेंडर बंटवाए ताकि बहुजन समाज जाने कि हमारे इतने संत गुरु महापुरुष होते हैं, और उन सभी लोगों को हमने जनाया। आज मुझे खुशी है कि कोई भी कार्यक्रम करता है पूरे भारत में, बाबा साहब बुद्ध नहीं बल्कि बुद्ध से लेकर के बाबा साहब तक जितने भी संत गुरु महापुरुष हुए हैं सबका फोटो लगाया जाता है। समण और बमण शब्द को कोई जानता नहीं था, कभी लोग हम कार्यक्रमों में चर्चा नहीं करते थे। आज के 15 वर्ष पहले हमने समण संस्कृति के नाम से रजिस्ट्रेशन कराया, ATG 12A FCRA कराया और पूरे देश में चर्चा की कि दो ही संस्कृतियां हैं समण और बमण, तब जाकर के शब्द चर्चा में आया। आज मुझे खुशी है कि पूरे भारत में मैं जिधर चला जाता हूं उधर समण की चर्चा होती है, अर्थात हमारी विचारधारा बढ़ रही है। 17 दिसंबर के कार्यक्रम में मैं आप सब लोगों को आमंत्रित करता हूं। मैं सभी लोगों के नाम लूंगा जो लोग लाइव मुझे देख रहे हैं, आदरणीय राजीव रतन जी, आदरणीय सुमित विराट जी, राम लखन सिंह, राजीव रतन जी और बहुत सारे लोग हैं, धीरे धीरे मैं नाम भी बताता रहूंगा। खासतौर से मैं संदेश देना चाहता हूं अमरनाथ गौतम जी, श्रेष्ठ कुमार जी, डॉक्टर अक्षय साक्य जी, सभी लोग मुझे लाइव देख रहे हैं। क्योंकि मैं पिछले 10-15 दिनों से एक महीने में मेरी दो दो विदेश यात्राएं हो गई, थाईलैंड में 1 हफ्ते रहा, फिर 1 हफ्ते वियतनाम में रहा, इधर फेसबुक में मेरे खिलाफ कार्रवाई कर दी गई, मैं मेटा गया, मेटा ऑफिस में मिला, तमाम लोगों से मैं मिला कि मेरा फेसबुक एक जरिया है कि मेरे काम को लोग जाने, मेरे संदेश को लोग सुने, उसको बंद कर दिया गया है। लेकिन धीरे धीरे मुझे कहा गया है कि आप लाइव अपना कार्यक्रम चलाइए, सब लोग देखेंगे, धीरे धीरे वो सही हो जाएगा। नैमी माथुर जी, लवकुश जी, अजय साकिया जी, सोनू जी, सोनू सिंह शूद्र, चलिए कम से कम खुशी है कि मेरा समाज बहुजन समाज अब ये महसूस करने लगा है कि हम शूद्र हैं और इस देश भारत के असली राजा महाराजा हैं। नीरज जी, भीम प्रसाद मौर्य जी, आनंद प्रसाद जी, सोनू जी, डॉक्टर अक्षय साक्य जी, सेक्टर अच्छा P3 में आपका स्वागत है। चाहता हूं ग्रेटर नोएडा तो मुलाकात करूंगा। तो कार्यक्रम का स्थल बुक हो गया है और मेरा प्रयास है इस कार्यक्रम में मैं MK Stalin जी को बुलाना चाहता हूं। मैं उनकी पूरी टीम से मिला हूं और मैंने मैसेज उनको भेज दिया है। इस समय पूरे देश भारत में ईमानदारी से अगर कोई बहुजनों की बात करता है तो उसे हम MK Stalin कहते हैं, और इस कार्यक्रम में हम MK Stalin साहब को बुला रहे हैं, उनके बेटे उदय स्टालिन को बुला रहे हैं। अगर मुझे वो समय दे देते हैं तो बहुत मैसेज बढ़ा जाएगा पूरे देश के लिए कि साउथ का व्यक्ति पेरिया रामास्वामी नायकर के विचारों को चलने वाला व्यक्ति जो समझौता नहीं करता। हमारे यहां बहुजन समाज के जितने भी नेता हैं लगभग सब समझौतावादी हैं, लेकिन स्टालिन समझौता नहीं कर रहे हैं, ईमानदारी से अपनी बात को आगे लेकर के बढ़ा के ले जा रहे हैं। मैंने उनको बुलाया है और जितने भी विचारधारा के सामाजिक लोग हैं, आंदोलन के लोग हैं, आदरणीय पंकज मुकेश जी, आगरा आपका घर बनकर के तैयार हो गया, मुझे जानकारी मिल गई है, मैं बहुत जल्दी आपके घर दावत करने आऊंगा, बड़ा खूबसूरत घर बनाया मैंने फेसबुक पर आपका देखा है। मनोज कुमार कैमकर साहब, इंजीनियर साहब, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। ये मैं कह सकता हूं कि मेरे जीवन का अब तक का सबसे बड़ा बहुजन मैत्री एवं संविधान जागरूकता महासम्मेलन है धामपुर की धरती पर। हम लोग आदरणीय प्रहलाद सिंह जी पूरी ताकत लगा रहे हैं और जितने भी हमारे सहयोगी संगठन हैं, क्योंकि एक व्यक्ति अकेले कुछ नहीं कर सकता, जब तक हम संघ में नहीं चलेंगे, सबको साथ लेकर के नहीं चलेंगे। राकेश कुमार आजाद जी प्रयागराज की धरती से
इंकलाब जिंदाबाद। आप लगे रहिए, आदरणीय हरिओम सिंह जी, सुधीर जी, तमाम लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, क्योंकि लाइव ही मेरे मैसेज लोगों के पास जा पाते हैं। बाकी फेसबुक ने ब्रेक करके रखा है, मेरी पोस्ट रीच नहीं होती, मैं कुछ भी लिखता हूं लोगों के पास नहीं पहुंचता। सिर्फ अगर मैं लाइव होता हूं तो लोगों के पास मेरा मैसेज जाता है और लोग मेरे बीच में आते हैं। तो राकेश जी, पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को, हरियाणा और आपके उत्तराखंड के लोगों को, आसपास के सभी जनपदों के लोगों को, बरेली से लेकर के सीतापुर के लोगों को, मैं सबको बुला रहा हूं, आइए धामपुर। तमाम ट्रेनें आती हैं धामपुर, तमाम साधन संसाधन आपको धामपुर लेके आएंगे। आओ, एक बड़ा कार्यक्रम जो अच्छा, ठीक है, बुलाइए, जब भी आप बुलाएंगे तो मैं जरूर आता हूं। डॉक्टर नवल जी के भक्त हैं उखरा से, नमो बुद्धाय लिख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप लोग इतना स्नेह प्यार हमें करते हैं, मुझे देखते हैं, मुझे सुनते हैं। आदरणीय मीरा जी दिल्ली से, मैं आपको भी बुलाता हूं, आप भी आए। सूर्य प्रकाश जी, आप भी पधारिए, स्वागत है आपका इंजीनियर साहब। आदरणीय अखिलेश कुमार जी, अजय जी, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आदरणीय बोधी रतन भंते जी, मैं सबको निवेदन करता हूं आए। और इस कार्यक्रम में हमने लगभग 1000 बौद्ध भिक्षुओं को बुलाया है, और सभी बौद्ध भिक्षुओं के लिए मैं प्रयास करूंगा कि उनको किराया भाड़ा, उनका मान सम्मान और उनको दान दिया जाए। तो सभी बौद्ध भिक्षुओं से भी मेरा निवेदन रहेगा, इस कार्यक्रम में आए और इस कार्यक्रम को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आजकल संविधान रथ चला रहा हूं, और आजकल हमने संविधान रथ के माध्यम से 10,000 संविधान की प्रतियों को घर घर तक पहुंचा दिया है। 2 महीने में हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा 10,000 संविधान हमने घर घर पहुंचाए। लक्ष्य है, जब तक 1 करोड़ संविधान हम घर घर नहीं पहुंचा लेते, तब तक हम रुकेंगे नहीं, थमेंगे नहीं। इसके बाद हमारा बड़ा कार्यक्रम सहारनपुर में है, संविधान जागरूकता सम्मेलन का। इसके बाद मुजफ्फरनगर में है, इसके बाद मेरठ में है, इसके बाद बरेली में है, इसके बाद गाजियाबाद में बड़े बड़े कार्यक्रम लगे हैं संविधान जागरूकता महासम्मेलन के। नीरज यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इटावा से, और मैं चाहता हूं आप सब लोग धामपुर आए, हमारा निमंत्रण स्वीकार करें, इसलिए मैं आज आपके बीच लाइव आया था। और इस कार्यक्रम में हमने सभी अच्छे अच्छे लोगों को बुलाया है। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, अगर आपकी दृष्टि में बुद्ध, साऊ, फुले, अंबेडकर की विचारधारा को मुखर लेकर के चलने वाला कोई आदमी आपकी नजर में हो तो मुझे बताइए, उनका नंबर दीजिए, नाम बताइए, मैं उनको भी बुलाता हूं, क्योंकि हमारा किसी से झगड़ा नहीं है। जो भी हमारी विचारधारा का है उसके लिए दरवाजे खुले हैं, मैं उनके घर जाता हूं और मैं अपने यहां उनको बुलाता हूं। 1 करोड़ संविधान घर घर पहुंचाना है। आप सभी लोगों को मेरा यह आह्वान, आदरणीय पीआर गौतम जी, आदरणीय राहुल जी, पसंद आता, अच्छा लगता है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूं। और धामपुर के कार्यक्रम में मैं सब परिवार आपको सादर आमंत्रित करता हूं। आगामी मेरा फरवरी में कार्यक्रम श्रीलंका जाने का है, वहां हमारे 50 लोगों की टीम श्रीलंका जा रही है। श्रीलंका के कोलंबो में, श्रीलंका के अनुराधापुरम में, जहां संघ मित्रा पीपल का वृक्ष, बोधि वृक्ष लेकर के भगवान बुद्ध के प्रचार प्रसार को करने के लिए सिंगल द्वीप पहुंची थी, जिसे बाद में सीलोन कहा गया और बाद में उसका नाम श्रीलंका रख दिया गया। मैं अपनी टीम को लेकर के कैंडी जा रहा हूं, जहां तथागत बुद्ध का दांत का मंदिर आज भी है, उनके दांत का बहुत बड़ा बुद्ध विहार है, जो लिट्टे जी ने, आदरणीय लिट्टे, जो लिट्टे थे आतंकवादी थे, आदरणीय नहीं बोलना चाहिए उनको, लिट्टे संगठन ने कई बार हमला करने का प्रयास किया, लेकिन सिंघली बौद्धों ने उसको बचाने का प्रयास किया, और आज भी वो दांतों का बुद्ध विहार है। इसके बाद सीरिया है, पूरा श्रीलंका हम लोग भ्रमण कराएंगे। हालांकि श्रीलंका वहां के राजनेताओं की वजह से टूट गया था, लेकिन आज भी श्रीलंका बुद्ध की संस्कृति दर्शन को आगे बढ़ा रहा है। चलो, जो मानते हैं कि रावण, सुपन खां, मेघनाथ कभी पैदा हुआ होगा, जो मानते हैं कि सोने की लंका होगी, आओ मेरे साथ श्रीलंका चलो, मैं दिखाता हूं कि झूठों का राज जब तक छुपा रहेगा, जब तक आप श्रीलंका नहीं जाओगे।
इसलिए आओ हम लोग साथ साथ चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि फर्जी बाड़ा आपको बताया, आप उसमें बह गए और अपनी संस्कृति दर्शन को भूल गए। मैं बार बार कहता हूं, आज फिर कहूंगा कि एससी एसटी ओबीसी समाज की जो जातियां हैं आपको बांटा गया। आप पहले वंश थे, आप पहले विचारधारा थे, पहले आप शासक थे, आप इस देश के असली राजा महाराजा हैं। इतिहास उठा के देख लीजिए, आपको इन्होंने छोटा नीचा कमजोर बना दिया है। इसलिए आओ अपनी संस्कृति को पहचानो, अपने दर्शन को पहचानो और हम लोग मिलकर के संघर्ष करते हैं, फिर इस भारत को बुद्ध की संस्कृति से, बुद्ध अशोक फुले साहू अंबेडकर की संस्कृति से जोड़कर इसको आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं श्रीलंका जा रहा हूं, जो भी लोग चलना चाहें मेरे साथ जुड़े, मुझे बताएं, पासपोर्ट की जरूरत है, बाकी सारा काम हमारी टीम करेगी। और मैं लगातार 17 दिसंबर के कार्यक्रम की तैयारी में लगा हूं और मैं प्रयास करूंगा कि प्रतिदिन लाइव आकर के आपको अपडेट दूं कि क्या क्या तैयारी हो गई, क्या क्या हमने काम कर लिया है, आपको मैं बताता रहूंगा। तो आसपास के सभी जिंदा जागरूक लोगों को मैं धामपुर की ऐतिहासिक धरती पर आमंत्रित करता हूं, आइए हम लोग सब मिलकर के इस आयोजन को सफल बनाते हैं और बुद्ध साहू फुले अंबेडकर की विचारधारा को बढ़ाते हैं। सभी संगठनों का ये साझा प्रयास है, अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मुझे उम्मीद है कि आप लोग लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे ताकि मेरा ये संदेश, मेरा ये निमंत्रण, मेरी अपील सबके पास पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आपकी जय हो।